प्रधानमंत्री उदयपुर में थे, उन्होंने राजस्थान सरकार को टारगेट पे लिया और कहा कि सरकार ने सिर्फ मछलियां पकड़ी है, बीजेपी सरकार आएगी तो मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। कौन से मगरमच्छ छोड़ दिया? ये मगरमच्छ कौन है, किस पार्टी का मगरमच्छ है? ये प्रधानमंत्री ने देखा होगा, उनको सभी जानकारी है। ये फोटो आप लोगों ने भी देखा है, ये कौन है, इसको किसने पकड़ी थी? चार दिन के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया, चार घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। और ये किस पार्टी का कार्यकर्ता है? कमल के फूल के पार्टी का, पूरी तैयारी से आया पूरा, तो इन्हीं के कार्यकर्ता। और ये लगाते हैं इल्जाम राज्य सरकार, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कल ही आए और कल ही ये इल्जाम फिर से दोहराए, इसीलिए ये फोटो तैयार था मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं जान, अगर प्रधानमंत्री नहीं इसका जिक्र करते मैं जिक्र नहीं करता, पर क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है और प्रधानमंत्री ने और कई बातें की हैं कि यात्रा निकालने हमने प्रतिबंध लगाई। अरे आप चैनल देखिए, जो चैनल हमारे पक्ष में नहीं है उन्होंने खबर छापा है कि यात्राएं निकाली जाई हैं और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। प्रधानमंत्री, मैंने कहा है चुनाव के वक्त में, खास तौर से चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलते, वो बार बार, उनकी एक ही मंशा है, बार बार झूठ दोहराते जाओ ताकि लोग 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उस झूठ को सच मानने लगे। ये उनकी पुराना, बहुत पुराना तरीका है, गुजरात के मुख्यमंत्री से के समय से ये तरीका है, वो तो बार बार एक ही झूठ को दोहराते जाते हैं और लोग समझते हैं ये इसमें कुछ सच्चाई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं और पार्लियामेंट के बाहर झूठ बोलते हैं। जब चुनाव का वक्त नहीं होता है झूठ बोलते हैं, जब चुनाव का वक्त होता है तब तो सुपर झूठ बोलते हैं। और कल आपको देखने को सुनने को मिला किस तरीके से वो झूठ, मगरमच्छ कौन है, किस पार्टी का मगरमच्छ है, कि प्रधानमंत्री ने देखा होगा, उनको सभी जानकारी है। ये फोटो आप लोगों ने भी देखा है, ये कौन है, इसको किसने पकड़ा,